एनसीसी को आप लोग हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा। ये आपको इस उम्र में इतना डिसिप्लिन बना देता है कि आने वाले 10 साल बाद आप लोग का इसका अनुभव होगा। हुआ क्या कि एनसीसी को बहुत सारे लोगों ने तो हल्के में ले लिया, इस गलती में नहीं करना है आप लोगों को। इतना आगे लेके जाना इसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बटालियन का नाम को पूरे इंडिया लेवल पे अपने बटालियन के नाम को रोशन करना है। हमको आज भी याद है कि जब हम एनसीसी लिए थे तो उस समय जब एनसीसी में वर्दी डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही थी कि अब वर्दी मिलेगी, तो इतना मतलब वर्दी हम लोग के टाइम पे क्या था, जितने लड़के थे उससे थोड़ी सी वर्दी कम थी, तो हम लोग को लगा कि पहले जाओ पहले मिल जाएगा, तो हम लोग पूरी तरह से भीड़ में लाइन लगा के खड़े थे लोग वर्दी लेने के लिए। तो उस टाइम हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा ठीक ठाक हो जाता था, वो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे। तो लाइन में जब वो हमको लगे हुए देखे ना, तो वो हमको बोले कि तुम क्यों एनसीसी करना चाह रहा है। तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि नहीं एनसीसी मतलब ना एक नॉर्मल या फिर ऐसे एनसीसी एजुकेशन से थोड़ा सा हट जाता है, तो ऐसी भावनाओं को तोड़ना है। और पहले क्या था कि लगता था कि जो एनसीसी में बहुत ज्यादा लोग आगे जाके नहीं कुछ कर सकते, उस समय हमको बड़ा बुरा लगा था इस चीज को, क्योंकि मेरी दिल से ख्वाहिश थी बचपन से ही कि हमको फौज में जाना था। और फौज में जाने के लिए जैसे मैच खेलने के लिए आजकल आईपीएल कैसे है, उस तरह समझिए कि फौज का ही आईपीएल है, यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन कीजिए यहाँ से आपको जाने के लिए आसानी होगी यहाँ पे। तो हमको लगा था कि उस समय तो हम छोटे थे, 10th पास किए थे जैसे आप लोग की एज के थे हम, तो थोड़ा हमको लगा कि भाई सर ने ऐसा क्यों किया कि तुम क्यों फौज में जाना चाहते हो, मतलब ऐसा लग रहा तुम क्यों एनसीसी में जाना चाहते हो। तो फिर हमने सोचा था कि शायद जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि जो उन्हें बताएंगे जाने के बाद कि सर हम इसलिए एनसीसी में जाना चाहते थे। तो बाद में हम भी इंटर पास किए, एनडीए के लिए गए, वहाँ पे आपको पता है कि उसमें मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, तो मेडिकल में मेरा हाथ देखेंगे ना ये गजब का टेढ़ा है। तो हमको पहले पता नहीं था वहाँ पे, लेकिन तैयारी तो हम लोग की फौज की थी, तो जो डिसिप्लिन एनसीसी ने दिया उस डिसिप्लिन को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। कैंप का दिन जब सर हमारे पास जब आए सर की ओर से और कि एनसीसी कैंप में जाना है सीएटीसी कैंप, तो हम भी वो सीएटीसी कैंप किए। हम कहे चलो इसी बहाने हमको अपने पुराने बचपन के दिन जीने के लिए एक बार उस याद को दोबारा ताज़ा किया जाए। हम लोग जब एनसीसी में थे कैंप में, तो जब कर्नल साहब हम लोग का एक छोटे से जैसे आपका तो हेडक्वार्टर में एनसीसी है यहाँ पे, तो हेडक्वार्टर में हर सुविधा रहती जैसे फायरिंग रेंज है एक मिनट हेडक्वार्टर ठीक था, तो हम लोग का ना किसी कॉलेज में गया था तो वहाँ फायरिंग रेंज वगैरह उतना नहीं थी और हेडक्वार्टर को एनसीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है, बट वो तो एक नॉर्मल सा कॉलेज था। वहाँ कर्नल साहब का वो टेंट लगाना, फिर जब वो आते थे इंस्पेक्शन में तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करते थे, रात में ऐसे हो गया कि अमूमन 7वें 8वें दिन आते हैं लोग इंस्पेक्शन के लिए, जो हेडक्वार्टर में जो कैंप नहीं होता है वहाँ पे, तो जब कर्नल साहब आए तो हम लोग रात में उठ के पूरा सफाई उफाई किए कि सुबह आने वाले हैं, झाड़ू उड़ू सब मारे थे हम लोग वहाँ पे। आज भी वो दिन याद आता है कि जो मेहनत किए थे बहुत अच्छी वो दिन थे। आप लोग को अभी क्या है ये जीवन जी रहे हैं, 10 साल बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे कभी ऑफिस में बैठेंगे कभी कोई एनसीसी वाला अगल बगल में दिखेगा तो आपको याद आएगा ये दिन, तो बहुत खुशी होगी। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, ये उम्र जो है ना ये बहुत ज़्यादा आप में ऊर्जा देता है, इस उम्र में आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में यदि आप समय को गंवा देते हैं मतलब आप अमृत से पैर धुल लेते हैं। समय से मूल्यवान दुनिया का कोई चीज़ नहीं है, वर्तमान का समय दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज़ है। आप कितना भी पैसा खर्च करके बीते हुए कल को नहीं ला सकते, इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए, या तो कर लीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए, मतलब असमंजस के जीवन में नहीं रहिए। और सेना में आपको एनसीसी में इतना दृढ़ संकल्प दे देता है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यंग एज है, आप लोग यंग एज में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी से रखना पड़ता है। आजकल समय डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करना मतलब उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। मोबाइल आ गया, आजकल लड़के लोग मोबाइल से ही बाहर नहीं आ रहे हैं, मोबाइल से बाहर निकलिए। अभी इस उम्र में थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, पैरेलल एनसीसी आपको डिसिप्लिन देगा। इसके साथ आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ से एनडीए है, सीडीएस है, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा एक नॉर्मल लड़के से ज़्यादा डिसिप्लिन आप अपने आप को पाइएगा। इसमें जितनी चीज़ों को कहा जा रहा है उस चीज़ों को फॉलो कीजिए। हम लोग को आज भी याद आता है जब हम लोग को एलएमजी खोलने के लिए दिया जाता है, पिस्टल बैरल बर्ड बॉडी बॉय पार्ट, ऐसे 5 भाग में आप लोग ने खोला होगा कि नहीं, एलएमजी खोले होंगे आप लोग, एसएलआर एलएमजी और इंसास, ये तो बस ऐसे मतलब प्रैक्टिस फायरिंग के लिए, ये सब थोड़ी मिलेगा, एलएमजी फायरिंग करेगा यहाँ पर आपको तो छोटे गन फायरिंग करने के लिए मिल देंगे, फायरिंग रेंज आपके पास यहाँ अवेलेबल ही है। तो
अभी के वक्त में थोड़ा ये सब डिस्ट्रेक्शन से बचिएगा, मोबाइल वगैरह की दुनिया से बचिएगा। पहले गांधी जी के 3 बंदर थे, एक का कहना था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अब चौथा बंदर आया, मोबाइल लेके बैठा है, कुछ भी नहीं देखेगा ना, उसको बुरा भला ना कुछ देखेगा ही नहीं वो, वहां पे वो बैठा है क्या लेके, मोबाइल लेके। तो अभी आप लोग चौथा बंदर बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने आप को सुधारिए। ये वक्त है वरना ना आगे आज से 2 साल 3-4 साल बाद ना आपको कोई बोलेगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक एज को आप क्रॉस कर चुके रहेंगे। और बचपन में कामयाब होने का अलग ही एक क्रेज है, गाड़ी निकलने से पहले गाड़ी आ जाए, समझा रहा कि नहीं लड़के लोगों को। yes, sir. एकदम ऑफिसर बन के आना है यहाँ पे, अपने अपने जिला अपने गांव का नाम रोशन करना है। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा करते हैं जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, और माँ बाप ने जिस उम्मीद में भेजा आपको उस उम्मीद पर आप लोगों को खड़ा उतरना है। इस कम एज में जितना मेहनत कर लीजिए बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़े थोड़े चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, इस एज में लड़के लोगों की थोड़ी सी गलत रास्ते पे ही भटक जाते हैं, पैसे का दुरुपयोग करने लगते हैं। देखिए कोई गरीब अमीर ये सब चीजों से हट के रखिएगा, विद्यार्थी जीवन जीने के लिए जितना सिंपल जीवन जिएगा आगे का जिंदगी उतनी अच्छी रहेगी। अभी के समय में कुछ लड़के के लोगों को देखते हैं एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा गार्जियन लोगों में, गार्जियन को भी कहते हैं कि थोड़ा सा संभाल के दे वरना आगे जाके बहुत लॉस होगा। पैसे का बहुत सदुपयोग करना चाहिए, पैसे के पास अपनी जुबान नहीं होती है, लेकिन जिसके पास पैसा होता है बहुत बोलता है वो, पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। पैसा कहता है कि भाई आज हमें बचा ले कल हम तुम्हें बचा लेंगे, तो पैसा और समय का उपयोग बहुत अच्छे से कीजिएगा यहाँ पर। और थोड़ा यंग एज में क्या है कि थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक ज्यादा रहते हैं और इसको गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं लड़ाई झगड़े से, इस सब चीजों से बचिएगा। लड़ाई झगड़े का बहुत शौक है, चलिए बॉर्डर पे तब वहां किया जाए, पूरी दुनिया देखे वहां पे, ये छोटे मोटे गांव में तुतु मैमे वाली लड़ाई से क्या मतलब बनता है। यंग एज में थोड़ी भाषा का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग 3 साल में सीख जाते हैं बोलना और पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं कि बोलना क्या है, इसलिए भाषा शैली ध्यान रखिएगा। और गुस्सा पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, यंग एज वालों को हम विशेष करके बोलते हैं थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गुस्सा वह जड़ है जिसके पेड़ का नाम है अहंकार। जब आप गुस्सा होते हैं ना तो आप में अहंकार झलकने लगता है, जैसे गुस्सा हो जाएंगे देख लेते हैं आज आत्मा, तो डायरेक्ट अहंकार घमंड नहीं आता है, पहले क्या आता है गुस्सा, तो कंट्रोल करना है। यहाँ पर आपको कोई बोल दे गुस्सा हो जाए उसको जवाब नहीं देना है उसको, अब क्या फायदा होगा जवाब देके, आप गधे के रेस में आप फर्स्ट भी आते हैं तो गधे का लाइन है, क्या फायदा है इसी रेस का यहाँ पर, बिना मतलब के आप तूतू मैमे नहीं कीजिए। अगर आपको किसी को जवाब ही देना है तो कंधे पे स्टार लगा के जवाब दीजिए उसके पास, देखो भैया हम जवाब देने आए हैं, साइलेंट रह के जवाब दीजिए, साइलेंट इज द बेस्ट आंसर वहां पे, आप शांति से काम कीजिए, कामयाबी से उसको क्या जवाब दीजिए। और कंधे में जो स्टार लग के देश की सेवा की भावना है वो किसी नौकरी में नहीं है, आप कोई भी नौकरी कर लेंगे आपको नौकरी तो मिली जाएगी, जीवन जी जाएगा, लेकिन जो रियल में लाइफ है वो फौज ही आपको देती है, चाहे वो फौज के कोई भी विंग्स हो, वो जो जिंदगी के हर हिस्से, लोग कहते हैं भारत मेरा कैसा, जिस दिन फौज में जाएंगे आपको कमोबेश पूरा भारत देखने को मिल जाएगा, कश्मीर के बर्फीले पहाड़ से लेके थार का वो मरुस्थल जहाँ पापड़ रख दीजिएगा बालू पे ना तो सीख जाता है पापड़, आग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जेब में लेके पापड़ घूमते रहो सेक के खा लेना वहां पे। और वो पूर्वोत्तर के जंगल से लेके बाढ़ का मैदान तटीय क्षेत्र से लेके पूरा भारत देखने को मिलता है, और आपको इसी वर्दी के साथ, और कंधे में जब 2 तारे लगेंगे ना, 2 stars ऑन आवर शोल्डर आर फॉर वैल्यूएबल देन मिलियंस स्टार्स इन द स्काई, उस आसमान के लाखों तारे से ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो आप लोग भी जी जान लगा के मेहनत कीजिए और अपने कंधे पे वो स्टार लाइए, और माँ बाप को देखिए बुढ़ापे में उनके 10 बीमारियां ऐसे भाग जाएगी बिना दवा के। माँ बाप और शिक्षक क्या चाहते हैं आपसे, आपका नाम रोशन हो, बाकी बुढ़ापा में क्या चाहिए, माँ बाप को 3 टाइम की जगह 2 ही टाइम खाते हैं, 4 की जगह 2 ही रोटी खाएंगे, लेकिन वो आपको आगे बढ़ना चाहते हैं। माँ बाप और शिक्षक ये 3 ऐसे लोग हैं जो अपने अपने विद्यार्थी अपने बेटों से हारना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोग इतने आगे जाइए कि आने वाले कल के समय हम आपके ऑफिस में आए तो आप ही लोग से पूछ के आना पड़े मे आई कमिंग सर, उस समय हम लोग को बहुत गर्व महसूस होगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि इतनी बुलंदियों पे जाए ताकि फख्र हो ये कहते हुए कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया था। आने वाले समय में आप लोग भी बहुत बेहतरीन मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए, और ऐसा काम कीजिए ताकि हमें भी वो पल याद आए कि ये वही बच्चे थे जिनके सामने हम गए थे, इनके
कैंप में आके हम मीटिंग किए थे, ये यादगार बन जाए आप लोगों के लिए। तो इस चीज को आप लोग अपने मन में ठान के रखिएगा कि ये जीवन मिला है ना, ये कलम की तरह है जीवन, कलम की तरह। इससे पहले कि इस कलम की स्याही खत्म हो, एक ऐसी कहानी लिख दे कि सदियों तक उस कहानी को लोग पढ़ें। तो इस एज में आप लोग थोड़ा गुस्सा अहंकार को कम रखिएगा। बहुत बार होता है ना तू तू मैं के झगड़े, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को हम लोग भी जिए हैं। बाप रे, ऐसा लगता था कभी झगड़ा हो जाए तो भारत पाकिस्तान वाला मैटर हो जाता है। तो ये सब चीजों से थोड़ा बच के है, हालांकि यंग एज है, इस एज में आप लोग होते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन हो जाता है, लेकिन इस एज से थोड़ा सा बच के रहना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते रहना। एनसीसी में जो डिसिप्लिन सिखाया गया इसको घर तक में आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है, हर चीज को एकदम, मतलब जो आपका जो अगल बगल के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, अपने आप में डिसिप्लिन रखना, टाइम का पंक्चुअल होना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई चीज फौज में अगर कोई चीज 1 बजे है ना तो 1 बजे होगा, 5 बजे है तो 5 बजे होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है और आज के समय में समय का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको दोबारा समय देगा। आपको आज आप समय को बर्बाद कीजिए ना, कल पक्का आपको बर्बाद कर देगा। समय इतना अहंकारी कोई नहीं है, 2 मिनट में आपको टाइम लगा है वो तुरंत बर्बाद कर देगा। तो समय को नहीं बर्बाद कीजिए, और ये सारा मैनेजमेंट आपको एनसीसी में सिखाता है। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बदमाशी नहीं किए थे, कैंप में भी बहुत बदमाशी किए थे हम लोग। हमें अपने बचपन का बात याद है कि हम लोग जब एनसीसी में थे तो जब रोल कॉल होता है तो ऐसे ही होता है, रोल कॉल आप लोग का होता ही नहीं। हम लोग भी उस समय बहुत बदमाशी किए थे। तो हम लोग के कॉलेज में लड़के ज्यादा थे, तो हमारे कॉलेज की जो रात में काउंटिंग हो रही थी शाम के टाइम पे, तो वो लाइन सबसे लंबी थी और हम उस लाइन में सबसे पीछे खड़े थे। बाकी कॉलेज में लड़के कम थे, उनकी लाइन छोटी लगी हुई थी। अब वो पीछे लड़के बात कर रहे थे सब। अब भाई बात करेंगे तो फिर डिस्टर्ब तो होगा ना। तो हम लोग में ना एक नेपाल के थे हवलदार, थापा करके थे, तो नेपाल के थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो छड़ी लेके आए और पूरे राउंड करने लगे पीछे से। अब मेरे क्लास की लाइन तो सबसे लंबी थी और हम सबसे पीछे, तो हमारी नजर पड़ गई, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो लेके आए हैं, पीटना चालू कर दिए यहाँ पे। और वो ना पीट रहे थे सबको। तो मेरे आगे वाला लड़का बहुत बोल रहा था, खूब बोल रहा, हमको लग गया कि ये पक्का पिटाने वाला है। और हम देख लिए थे, हम उसको कहें कैसे कि अरे भैया वो देख रहे हैं तुमको, अभी धोने वाले हैं तुमको, वो चुप ही नहीं हो रहा है। और उसकी इतनी खराब आदत थी, मतलब कुछ लड़के नहीं वो खैनी वगैरह खाने लगते थे, अरे गधा उसमें खा रहा था। वो डिसिप्लिन उसको समझा रहे थे और वो पीछे से आ गए, और पीछे से आने के बाद वो न बात कर रहा था, बस वो नीचे बैठ के उसको झांक रहे थे ऐसे कि क्या बात कर रहा है। उसको पता नहीं था, हमसे पूछ रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं ना, हम कैसे बोले कि भाई तुम्हारे बगल में बैठे हुए हैं। तब तक वो गधा क्या हुआ ना, उसको जितना खाना था खाया, उसके बाद जो झाड़ा तो उनकी आंख में झाड़ दिया। तो नीचे बैठे थे साइड में, उनकी आंख में झाड़ दिया। आप उनका गुस्सा सातवां आसमान पे, हमको कहीं इसको पकड़ यहाँ पर, उसको इतना घुलटिया मरवाया गया, इतना दौड़ाया गया। उसके बाद से वो आज भी डिसिप्लिन रहता, आज भी उससे पूछे भाई कहीं नहीं खाना धोया, उसी दिन कसम खा लिए थे छोड़ देंगे यहाँ पे, ऐसा धोया था ना कि उसको आज भी दिन याद है। अभी वो एक एमएनसी में जॉब करता है, तो एक बढ़िया धुलाई उसकी हमेशा के लिए एक आदत छुड़ा दिया कि नहीं छुड़ा दिया। तो एनसीसी का ये जो धुलाई है, आप लोगों को भी कभी कभी अगर अनडिसिप्लिन होंगे तो इस टाइप का धुलाई मिलना भी जरूरी है। तो कुछ चीजें याद आती है, बहुत बेहतरीन लगती है एनसीसी की वो चीजें। मेहनत से करना है आप लोगों को काम, और यही एज है आप लोगों को आगे बढ़ते रहने की। ऐसे इतना मेहनत कीजिए ताकि आने वाले समय में हर आपके बटालियन को आप पे गर्व हो कि यह लड़का हमारे बटालियन का था। हिंदुस्तान लेवल पे आपको आपके नाम को ले जाना है। अभी सर जैसे बता रहे थे कर्नल साहब कि हम सब चीजों को बहुत आसानी से समझा देते हैं। ये सब चीजें फौज में ही हम लोग को बचपन से ही, जब लोग एनसीसी में आए वहां से सीखे, तो देखा गया कि कितना भी टफ चीजें क्यों ना हो, आर्मी वालों के चेहरे पे कोई सिकन ही नहीं रहता है। कारगिल जीतना हाँ हो जाएगा यहाँ पे, अरे कारगिल पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जीत के लेके चले आए इन लोगों ने वहां पे। तो जो वहां से मोटिवेशन मिला ना, दुनिया का कोई भी चीज है कितना भी टफ है उसको तोड़ ताड़ के एकदम सरल बना ही देना है यहाँ पर। तो ये सब जज्बों को आप लोग को अपने साथ भी रखना है,
और आने वाले समय में आप लोगों को भी अपने बटालियन, अपने गांव, शहर, मोहल्ले का नाम को रोशन करना है और पूरे विश्व भारत लेवल पर इस चीज को आगे ले जाना है। एनसीसी के पास बहुत ही अपार संभावना है चीजों को सही करने की। आज भी देखिएगा, जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कुंभ का मेला हो गया या फिर बिहार में छठ हो गया, उस समय भी ट्रैफिक की जिम्मेदारी घाट पे आप लोग बहुत बखूबी निभाते हैं और आप लोग को देखकर बाकियों में ये चीज डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि आप अपना नहीं बल्कि उस वर्दी का सम्मान कर रहे हैं जो आपको इतने कम उम्र में दिया गया है। तो इसका सम्मान भी बचा के रखना है, ताकि जब आप सड़क से गुजरे तो लोगों को एक आभास हो कि आने वाले कल के ये वही सिपाही है जिनके हाथों में देश की कमान होगी। इतना डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, समझा? वही शेड्यूल अभी कुछ दिन, अभी सिलेबस भी कमोबेश वैसे ही है। तो हम लोग के समय का था वो दो दिन, तो दो दिन हम लोग के टाइम पे शुरुआत में ना हम लोग को बड़ा टफ लगने लगता था, भैया ये कैसे होगा, कदम ताल ये सब चीजें होगी, लेकिन धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट जग गया। फिर कैंप में जब हम लोग जाने लगे तो बहुत सारे लड़के का कहना था कि तुम कैंप में जा रहा है पढ़ाई छोड़ के, ऐसा ऐसा बात बोलते थे लोग कि कैंप में जा रहे हो पढ़ाई छोड़ के। उन लोग से हम आज पूछते हैं, कौन सा तुम नासा का वैज्ञानिक हो गया भैया, तुम तो कैंप में नहीं गया था। हम लोग तो गए थे, छोड़ के गए थे। हम केवल कुछ दिन, 10 दिन छोड़ के गए थे, 10 दिन के बाद आए ना, तो उस चीज को हमने मैनेज कर दिया। और यही मैनेजमेंट हम उस 10 दिन में सीखे थे कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमें हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो समय हम अपने सोने के बचे हुए समय से काट के क्यों ना पूरा करें, लेकिन हम उस चीज को पूरा करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग भी अगर कैंप में आए तो अपनी उस जिम्मेदारी से मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में आगे जाना है। शिक्षा आजकल बहुत, देखिए एजुकेशन का है ना, अब बहुत कॉम्पिटिशन टफ होते जा रहा है। पहले बहुत कम लोग एजुकेशन में आते थे, लेकिन इधर देखिएगा 10 सालों से हर कोई पढ़ाना चाह रहा है। अब कोरोना के बाद सब लोग को देखिएगा, आज आपके गांव में कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, अब हर व्यक्ति पढ़ाना चाह रहा है। और हम लोग का भी उद्देश्य यही था, शिक्षा को इतना सस्ता कर दिए कि हर लोग पढ़ने लगे। लेकिन इससे आप लोग के लिए क्या हो गया, अब हर इंसान पढ़ने लगा है, तो कॉम्पिटिशन पहले से बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो आप लोग को ये भी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन डे बाई डे क्या होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। पढ़ाई में कुछ चीजों का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हर कोई चाहता है कि पढ़ लिख के अच्छा बने, हर कोई चाहता है कि सिलेबस को टाइम से कवर करे, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो थोड़े इस सब चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा, आप प्रॉपर नींद लेते रहिए, क्योंकि अगर आप जगे रहेंगे ना तो कभी अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज कि अगर किसी को सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो पा रही है, उसे जबरदस्ती उठा दीजिएगा, पूरा दिन भर पागल होते रहेंगे यहाँ पे। लेकिन एनसीसी में तो आपको दिन भर इतना थका, हम लोग को तो एनसीसी का आज भी याद है, कैंप का दिन इतना ना जान ले लिया जाता था दिन भर में, बिस्तर पे जाते पता ही नहीं चलता नींद कब आ गया, ऐसे सो जाते थे। मेरे बगल में एक लड़का था, रात को उठ के करा एक दो एक, हम कह चुप गधा कहीं का, एक को तो थोड़ा सा सोने को मिला, तुम रात में उठ के एक, वो सपने में था, उसको पीट दिया था किसी ने उनको सपने में। तो एनसीसी में तो इतना ना आपको मेहनत करा दिया जाता है कि नींद कौन पूछ रहा है, वहां पे नींद आता ही नहीं प्रॉपर। अरे बढ़िया से नींद आता है, हमको भी आज भी याद है। तो लेकिन अगर रेगुलर डेज में आप प्रॉपर नींद लीजिएगा बहू, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे इंसान बनने के लिए। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक काबिल इंसान बनना, ताकि सड़क पे चले तो एक केवल वो नहीं, जनगणना के काम में नहीं, पढ़े लिखेंगे नहीं तो बस जनगणना काम में आएंगे, और क्या करिएगा, वैसे भी हम लोग इतने आगे जा चुके हैं, तो जनसंख्या के मामले में हम लोग पूरी दुनिया को टॉप कर गए। तो हम लोग को एक शिक्षित होकर समाज में, एक शिक्षित व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता है, मानव संसाधन होता है। संसाधन मतलब क्या होता है, रिसोर्स होता है जो हमारे किसी काम में आता है। तो हमें मानव न बनके अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप करना है कि हर मानव अपने आप में क्या रहे, संसाधन रहे, कि आपके कमी से कहीं ना कहीं कोई काम रुक जाए, अपने आप को इतना काबिल बना के रखना है। तो अपना नींद प्रॉपर लेते रहिएगा, प्रॉपर आप बैलेंस मतलब भोजन वगैरह के देखिए, आजकल के लड़का लोग जंक फूड खा के चार गो बीमार पड़ते रह जाते। तो कंपटीशन की दुनिया है, खुद को स्वस्थ भी रखना है, ये भी अपने आप में एक डिसिप्लिन है। और उसके बाद आप प्रॉपर एग्जाम को लेकर मेंटेन रहिएगा। इस 10 दिन के दौरान जो जो चीजें आप लोग की क्लास स्कूल में छुट्टी होगी जाने के बाद, उस चीज को आप लोग को मेंटेन कीजिएगा। इसमें ए वाले भी है एनसीसी, ए बी वाले और सी, सी मतलब बी ज्यादा है, हम लोग बी और सी किए थे। तो हम लोग के टाइम पे हम लोग पता नहीं क्यों ए नहीं किए, अच्छा सी वाले निकल गए, तो हम लोग ना ए नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय हम लोग को उतना जागरूक, हम लोग क्या कॉलेज में ए था भी नहीं,
हर कॉलेज में नहीं होता है, हम लोग के समय तो नहीं था, वो स्कूल वाले में था, नाइन टेंथ में था स्कूल वाले में, तो हम लोग के अच्छा हर कॉलेज में एनसीसी की सुविधा हमारे टाइम पे नहीं थी। अभी भी क्या है कि वो तेजी से बढ़ रही है, ये भी अच्छी चीज़ है, हर कॉलेज में रहना चाहिए या चीज़ को। जहाँ हम लोग का भी एनसीसी में जब हो गया था तो काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे लिए एनडीए का रास्ता साफ हो गया, भैया हमको एनडीए जाना है। आप लोगों से ये भी कहते हैं जैसे इंटर करिएगा लोग एनडीए के लिए प्रॉपर मेहनत करके रखना है, ठीक है यहाँ पे। और बाकी आप लोग को तो बहुत अच्छा है, जब एनडीए हो जाए इंटरव्यू के लिए आइएगा, आप लोग का आपका हेडक्वार्टर है, कर्नल साहब है यहाँ पे, बहुत आप लोग को मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी चीजों को आपको बताएंगे, जो ओएलक्यू ऑफिसर है क्वालिटी ये सब चीजें है। एक एनसीसी किया हुआ लड़के के लिए काफी आसान हो जाता है डिफेंस में जाना, क्योंकि हम वहाँ गए हैं, हम देखे हैं इस चीजों को, और आप लोग को देख के लग जाता है। एक नॉर्मल इंसान से बात कीजिएगा डिफेंस से रिलेटेड, एक एनसीसी वाले से बात कीजिएगा, जमीन आसमान का अंतर ऑटोमेटिक आ जाएगा उस चीज को। तो इसको रियल लाइफ में भी उतारना है और इतना प्रण लेके जाना है कि जो डिसिप्लिन यहाँ सीखे हैं उसे आखिरी दम तक अपने जीवन में लागू करते रहेंगे, जो यहाँ से हम लोग सीख के जा रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं? चलिए इसी के साथ हम अपनी बातों को यहीं रुकते हैं। जय हिंद।